जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो स्टार्टर में चिली पनीर ऑर्डर करते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर की रेसिपी। इसे बनाने में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेगा अगर सब्जियाँ कटी हुई हों तो। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल और उसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टीस्पून मैदा। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून सेजवान सॉस। इन सभी को मिक्स करेंगे और पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल बनाएंगे। ध्यान रखें कि घोल को ज़्यादा पतला ना करें। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और इसे मैंने कट कर लिया है। अब एक एक पनीर को बैटर में डिप करेंगे और तेल में फ्राई करेंगे। गैस के फ्लेम को आप मीडियम या मीडियम हाई रखें। पनीर को बीच बीच में पलटते रहें ताकि ये हर तरफ से फ्राई हो जाए। तो ये पनीर फ्राई हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे। फिर मैंने लिया है एक कढ़ाई और उसमें डाला है मैंने 2 टेबलस्पून तेल और उसमें डाली है मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून कटी हुई लहसुन और 1 टीस्पून कटी हुई अदरक। इसे हल्का सा भूनेंगे और यहाँ पर डालेंगे कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च। इसे मिलाएंगे, गैस के फ्लेम को हाई कर दें। चाइनीज़ डिश जो भी है वो हाई फ्लेम पर ही बनती है। तो प्याज और शिमला मिर्च को 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। इसे भूनने के बाद इसमें डालेंगे सॉसेस। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून टोमेटो सॉस, 2 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून विनेगर। इसे मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें हम हाई फ्लेम पर ही करेंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसे मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते हुए थोड़ा सा पकाएं। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिलाएंगे और इसे भी डाल देंगे। ये सारी प्रोसेस हमें फास्ट करनी है और गैस की फ्लेम को हाई रखना है। इसमें डालेंगे 1/3 कप पानी और यहाँ पर मैं ड्राई चिली पनीर बना रही हूँ इसीलिए पानी का यूज़ कम किया है मैंने। अगर आप ग्रेवी वाली चिली पनीर बनाना चाहते हैं तो 1 कप पानी का यूज़ करें। इसमें उबाल आ गया है तो हमारा सॉस बिल्कुल तैयार है। अब इसमें डालेंगे सारे फ्राई किए हुए पनीर। इसे मिक्स करेंगे, गैस के फ्लेम को हाई रखें, इसे अच्छे से मिक्स करें और सबसे लास्ट में डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन और गैस को ऑफ कर दें। इसे मिक्स करें और उतार देंगे। तो ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर बनकर तैयार है। इसे सर्व करने के लिए मैंने प्लेट में निकाल दिया है और इसे स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश करें। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर एकदम रेस्टोरेंट जैसा आया है और यकीन मानिए ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे आप सब एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खाएं, खेलें और खुश रहें।